देव सदन कुल्लू में हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट हिमकॉस्ट के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट संस्थाओं व अन्य बुनकरों को जीआई के बारे में जानकारी दी गई। परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि जीआई में प्रदेश के 6 पारंपरिक वस्त्र शामिल हुए हैं। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने 60 लाख रुपए हिमाचल को दिए हैं, जबकि केंद्र सरकार से 6 करोड़ रुपए पारंपरिक उत्पादों को प्रमोट करने के लिए मांगे हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी नोटिफिकेशन जारी किया है और उसके कारण यह है कि जो हमारा कुल्लू का शाल है ये भी एक तरह का पेटेंट हुआ है, लेकिन पेटेंट अगर है तो वो कम्युनिटी बेस्ड पेटेंट है और अभी हिमाचल प्रदेश में 5 चीज़ें यानी कि हमारे जीआई के अंतर्गत आई है और जिन पर जीआई लोगो लगता है, किन्नौरी शॉल है, चंबा रुमाल है, कुल्लू की शॉल है। और इसका अतिरिक्त यह है कि अभी धीरे धीरे प्रयास ये कर रहे हैं कि जैसे हमारे यहाँ का देसी मांस है, राजमा है, इस तरह की और चीज़ों को भी महत्व देने का जिससे जीआई लोगो आए। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए कुल्लू से शालिनी रॉय की रिपोर्ट।